मौत का एक दिन आना तय होता है, लेकिन मौत कुछ यूं आ जाएगी यह किसी ने नहीं सोचा होगा। घटना मंगलवार रात 11:30 बजे की है, जब 32 वर्षीय प्रोसेनजीत मजुमदार अपने सगे संबंधियों के साथ अपनी नानी का अंतिम संस्कार करने निमतल्ला घाट पहुंचे। तभी वहां अचानक ज्वार आ जाने से प्रोसेनजीत अपने 10 सगे संबंधियों के साथ बाढ़ की चपेट में आ गए। इसके बाद प्रोसेनजीत मजुमदार को कलकत्ता मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना में 60 वर्षीय मिताली चौधरी अभी भी लापता है, जिनकी तलाश कोलकाता पुलिस की टीम कर रही है। घटना में प्रोसेनजीत के माता पिता भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। दिन कल रात को मेरा बुआ का डेथ हो गया था, तो मैंने बुआ का काम जो करवा रहा था वहाँ पर क्रियाक्रम जो हो रहा था उसी टाइम रात को 10:45 बजे तो उनका जो क्रियाक्रम खत्म होने वाला था उसी टाइम एक मेरा बहन जो वहाँ पर क्रियाक्रम कर रहा था उसी टाइम बाण आया, जबरदस्त जोर से बाण आया। तो मेरा वहाँ पर 12-14 आदमी वहाँ पर थे जो लोग वहाँ पर क्रियाक्रम कर रहे थे, तो उसी टाइम इतना जोर से बाण आया तो वो लोग सब इधर उधर हो गए पानी की तरफ और पानी के में सब बह गए। उसमें मेरा आंटी मेरा और मेरा भाई मेरा बुआ की लड़का वो भी दोनों खो गए। और उसके बाद उन हम लोग को एक डेड बॉडी मिला, वो अपना भाई का जो डेड बॉडी उनको मिला कल रात को, और उनको मेडिकल हम लोग ने मेडिकल में लेके गए और उसके बाद उनका वो रिपोर्ट बताया कि वो डेथ हो गए। अभी हम मेरा जो आंटी है उनका अभी तक हमको ये नहीं मिला है, मैं उनके लिए आया हूँ, अभी उनका खोज चल रहा है। कल रात को हम लोग 5:30-5 बजे तक हम लोग खोजे उनका, और उसका लिए डिजास्टर टीम भी गया था वहाँ पर, खोजे हैं पानी में, लेकिन उनको अभी तक बॉडी ने नहीं मिला।